हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि 18 घंटे के बाद भी क्या ऐसा काम रह गया जो मोदी जी को फ्लाइट में भी करना पड़ा। स्वागत है आपका डीएस4 न्यूज पे। धन्यवाद आपका भी। क्या लगता है, मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, नए राष्ट्रपति बने हैं, मिलेंगे उनसे, बातचीत का दौरा होगा, नए समझौते होंगे, लेकिन सबका ध्यान सोशल मीडिया पे कल से ये खींच रहा है कि मोदी जी 18 घंटे काम करने के बाद फ्लाइट में अमेरिका जा रहे हैं फिर भी नहीं थक रहे हैं, पेपर वर्क फाइल वर्क वहाँ भी निपटा रहे हैं, वहाँ भी लगे पड़े हैं, तो देश के लिए इतना काम कौन करेगा उनके अलावा। देखिए, पहला तो जो इनका वो है आईटी सेल, वो इस चक्कर में है कि अब जनता का ध्यान भटकाएं कि जिस जो बाइडन को हराने के लिए इन्होंने नारा दिया था, या वो भारतीय मूल की जो उपराष्ट्रपति बनी है जिसकी जिनके खिलाफ प्रचार किया था कमला हैरिस जी, हाँ, आज उनसे मिलेंगे ये आज या कल में, तो किस मुंह से मिलेंगे, जनता उसका विरोध ना करना लगे तो उससे ध्यान भटकाना है। दूसरा, जो आप फाइलों का बता रहे हैं, फाइलों में क्या करना है, फाइलों में देखना है अडानी अंबानी को और कौन कौन सी भारत की संपत्ति बेचनी है। अच्छा। हाँ, और जो अभी आपने देखा होगा अडानी के पोर्ट पे जो हीरोइन पकड़ी गई है, वो कोई वो ड्रग्स वाली हीरोइन है, एक्ट्रेस हीरोइन नहीं, ड्रग्स वाली हीरोइन, नशे का जो कारोबार पकड़ा गया है, कोई 9,000 करोड़ बता रहा, कोई 20,000 करोड़ बता रहा, कोई 21,000 करोड़ बता रहा है, तो वो देख रहे हैं कि यार को बचाना कैसे है, जनता के से उससे ध्यान भटकाना है और इस तरफ लाना है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी चैनल पर एक भी बाइट उसकी नहीं चल पा रही, या कोई भी उस पर बोल नहीं रहा जो एक बम्बई में बैठ के चिल्लाता था ड्रग्स तो ड्रग्स तो ड्रग्स तो, आज पता नहीं कहाँ मर गया, तो कोई सब बोलने को तैयार नहीं है। ये वो कोई भारत की संपत्ति बेचने की फाइल है, बाकी इसमें कोई काम की फाइल नहीं है। और लगातार जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऐसा कुशल प्रधानमंत्री, तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री मिला ही नहीं, कि जो सफ़र में भी आराम नहीं करता है, देश के लिए लगा रहता है। क्यों भाई, जो ये बोल रहे हैं वो सफ़र में इसके साथ गए हैं, ये फोटो जी भी है, बस रख के कागज और एक फोटो खिंचा लिया और बस, फिर तो पौवा मार के लौट गया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री है तो क्या है, ये देश की जनता से बड़ा है कोई, इस देश की जनता से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जनता देश का प्रधानमंत्री चुन सकती है, प्रधानमंत्री जनता को नहीं चुन सकता, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा है ये 10 महीने से सड़कों पे पड़ा है ये देश का किसान मजदूर और जो बेरोजगार है, लाठियां खा रहा है, पर प्रधानमंत्री को कोई फुर्सत नहीं, कोई एक शब्द भी बोल दे, 650 से ज़्यादा ही अपने परिवार को खो चुके हैं, बोल रहा है वो कुछ, क्या कहें उसके, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है उसके अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी उसने खो दिया है। आखिर जब बाहर गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो जो नीतियाँ बनेंगी, जो समझौते होंगे, वो भारत के लिए अच्छे के लिए तो होंगे। कोई समझौता नहीं करना इसे, कोई नहीं, क्या काहे का समझौता करेगा, देश सारा बेच दिया फिर समझौता क्या करेगा, बताए ना आप काहे के लिए समझौता कर रहा, बस ये करेगा कि कौन सी विदेशी कंपनी आए, FDI ले आए 100%, FDI ले आए 100%, जो देश की जनता मांग रही है वो तो दे नहीं रहा, जो जनता को चाहिए नहीं उसे थोप रहा है, तो इसके लिए क्या कहेगा। कहते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, FDI होती है, उससे पैसा आता है, भारी पैसा आता है, देश की तरक्की होती है, विकास होता है, क्यों जब पहले ये विपक्ष में था ये सारे लोग FDI का विरोध करते थे, 49% का 49% FDI आनी थी हिंदुस्तान में, लेकिन ये विरोध कर रहे थे, और आज ये 100% ला रहे, 100% का मतलब क्या है, ये कुर्सी भारत की है, और जब इसमें सारा निवेश विदेश का आके लग गया 100%, तो ये कुर्सी भारत की कहाँ रहेगी, ये तो विदेशी कंपनियों की होगी। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे बीजेपी सत्ता में हो रही हो या विपक्ष में रही हो, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका बदस्तूर जारी रखा, और सत्ता में आने के बाद सत्ता पक्ष में जो काम होते वो भी कर रही है, तो विपक्ष कहाँ है, भी सवाल तो ये उठता है, विपक्ष कहाँ है। देखिए, विपक्ष है कहाँ देश में, है कहाँ देश में, बताइए, तुम्हारी संसद के अंदर कोई विपक्ष का नेता है, जब संसद के अंदर विपक्ष का नेता नहीं है तो विपक्ष है कहाँ, और सबको जो है
सीबीआई, ईडी और वो पेगासस सबको डरा रखा, कोई बोल नहीं सकता।